हमारे देश का सेकुलरिज्म तो कुछ ऐसा है कि मौलाना साद से, जो कि ऑडियो प्रूफ के साथ साफ साफ जाहिर है कि उसने जानबूझ के ये चीज़ होने दी, बुलाया, इंड्यूस किया कि आओ करो, मरना भी तो मरो, सबसे अच्छी जगह है। ऑडियो सबने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैंने वीडियो बनाई भी है, उस पर आप ढूंढ के सुन सकते हैं। तो ऐसा करने वाले से NSA खुद मीटिंग करने जाते हैं आधी रात को, ठीक, बहुत जद्दी NSA मतलब बहुत बड़ा अधिकारी हो गया, कोई छोटा मोटा आदमी, छोटा मोटा हवलदार नहीं है। लेकिन वहीं पे आपको मैं फोटो दिखाऊंगा, साइड में दिख रही होगी, मैं खुद फोन में भी देख रहा हूँ, एक पुजारी रात को सिंपल पूजा कर रहा है, रातें माहौल लग रहा है, उसको हवलदार बराबर आदमी जाते हैं और वहाँ से उसका पूरा सामान गिराते हैं, उसकी पूजा भंग करते हैं। हिंदू होते तो शायद इतना बुरी तरीके से तहस नहीं करते हैं। अगला बोल रहा होगा कि इसमें भी हिंदू मुस्लिम, भाई तुम ही सोचो, कोई मुसलमान मस्जिद में जाकर तहस नहस तो नहीं मचाएगा, ये मौलवी मौलाओं को मारे मारे पिटेगा तो नहीं। तो उसी कॉन्सेप्ट में मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो पुलिस वाला कर रहा है तो ऐसे हिंदू तो रहा नहीं होगा। और यहाँ पे मुझे जिस पोस्ट से मुझे फोटोज मिली हैं वहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, आबिद खान नाम है भाई। ये घटना मध्य प्रदेश की है और यहाँ लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के रीवा मंदिर में अकेले पूजा कर रहे पुजारी को बेरहमी से मारा, पैरों से फेंक दिया गया जल और बूटों से कुचला पूजा स्थल। चीखता रहा पुजारी, माँ के नवरात्रि का अंतिम दिन है, दीपक जलाने आया हूँ साहब। इस कंडीशन में भी तो आप ये देख सकते हैं कि कैसी हरकत वाले कैसे आदमी से मिलने कौन जाता है, और कैसी हरकत कर रहे कैसे आदमी को डील करने कौन जाता है, और किस तरीके से डील करता है। ये बात अभी भी लोगों के समझ में नहीं आई, तो बुद्धि में डाल लो कि पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करते हैं, मजहब का खेल खेलते हैं। खैर, अगर ऐसा सेकुलरिज्म होता है तो इस देश में, इस देश के कानून से, इस देश की संविधान से वो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द हट जाना चाहिए। इसके लिए लोगों को मोर्चा निकालना चाहिए, भीड़ जमा करनी चाहिए, जो करना है करो। उस डेफिनेशन के चक्कर में, उस शब्द की आड़ में आके लोग इस चीज़ का इतना गंदा फायदा उठा रहे हैं, इसको इस हद तक भुना रहे हैं कि जो बाकी समाज है ना एकदम झेल गया, कुछ भी करके बच जाओ सेकुलरिज्म। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर कमेंट बता सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।